दोस्तों, मेरे हाथ में सैमसंग गैलेक्सी F05। ये सैमसंग का इस वक्त का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। मात्र 6,500 रुपये में इस वक्त आप इसको खरीद सकते हैं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि पैकेट में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो बॉक्स में हमें क्या मिल रहा है? बॉक्स में हमें मिल रहा है सिर्फ एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और यूज़र मैनुअल, बस और कुछ नहीं है। स्मार्टफोन के बिल्ड की अगर बात करें, बैक में वीगन लेदर टाइप का फिनिश मिल जाएगा। ऑल्दो ये प्लास्टिक ही है, लेकिन जो फील होता है वो लेदर टाइप का होता है। बैक साइड में दो कैमरा सेट देखने को मिलेगा, जिसमें एक 50 मेगापिक्सल का है और एक डेप्थ सेंसर है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट का स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। फेस अनलॉक का सिस्टम है, फेस अनलॉक आप लगा सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है। ऊपर की तरफ एक माइक दिया हुआ है, नीचे भी एक माइक है, साथ में टाइप सी चार्जर चार्जिंग पोर्ट नीचे में दिया हुआ है, स्पीकर ग्रिल है और एक माइक भी दिया हुआ है। 3.5 mm का जैक भी नीचे की साइड में ही है। बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाथ में लेने से बिल्कुल नहीं लगता कि 6,500 का फ़ोन है। एक कम से कम अगर आप किसी को भी दिखाते हैं तो कोई नहीं कहेगा कि 10,000 से नीचे का स्मार्टफोन है। लेदर फिनिश के कारण काफ़ी प्रीमियम दिखता है। अभी भी हमको आश्चर्य होता है कि सैमसंग इतना कम रेट में इतना खूबसूरत फ़ोन कैसे निकाल कर, मतलब कैसे सेल कर रहा है। जिसको लोग सस्ता ब्रांड समझते हैं नॉर्मली, जो ब्रांड मतलब कम रेट में स्मार्टफोन लाने के लिए फेमस है, वो भी इतना अच्छा और सस्ता स्मार्टफोन इस रेंज में लेकर के नहीं आया है। बैक में लेदर फिनिश होने के कारण इसमें ऐसे टच करने से फिंगरप्रिंट भी नहीं आता है। तो आपको वो जो होता है ना ग्लॉसी फिनिश टाइप का होता है बैक में प्लास्टिक पैनल, उसमें टच करने से पूरा एकदम फिंगर हो जाता है, उसका भी कोई टेंशन नहीं। लेदर फिनिश दे करके इसने स्मार्टफोन को काफ़ी प्रीमियम बना दिया है। पकड़ने में हैंड ग्रिप काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि लेदर फिनिश है। साथ में इसका जो बिल्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन साइड में थोड़ा सा कर्व है। हाथ में काफ़ी अच्छा ग्रिप बनता है, स्लिप नहीं होगा आपके हाथ से, काफ़ी अच्छा ग्रिप बने रहेगा। रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया हुआ है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो डिसेंट सेल्फी खींच करके निकाल देगा। बैक कैमरा भी अच्छा है, डे टू डे नॉर्मल यूजर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सैमसंग का जो कैमरा होता है नॉर्मली अच्छा रहता है। और इसका जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, मतलब डिसेंट, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें नाइट मोड का भी ऑप्शन है, स्लो मोशन भी दिया हुआ है। कैमरा में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिया हुआ है, बैक कैमरा से आप फुल HD में 60 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रहा है 6,500 का मोबाइल, जो कि 10, 11, 12 हज़ार तक में भी फुल HD 60 FPS का रिकॉर्डिंग जल्दी बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड में देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रंट में भी फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS में, वो भी अगेन बहुत सारे ब्रांड में। 10,000 तक का भी मोबाइल ले लीजिए तो फ्रंट का जो रिकॉर्डिंग होता है वो नॉर्मली HD ही रहता है, HD से ऊपर जल्दी नहीं मिलता है कम रेंज में। तो इसके लिए सैमसंग को, मतलब सैमसंग ने कमाल किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों अच्छा है। डे लाइट में अगर आप शूट करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फ़ोटो जो है काफ़ी क्लियर और अच्छा आएगा देखने में, लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा ये स्ट्रगल करता है अच्छे फ़ोटोज़ निकालने में। ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि कम रेट में है, इस रेंज में इतना अच्छा कैमरा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए इस रेंज में, मतलब अच्छा कैमरा। लेकिन उसके बाद भी अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कैमरा है इसका। फ्रंट में 6.7 inches का HD+ PLS LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। ब्राइटनेस इसका जो है इंडोर में काफ़ी अच्छा है, लेकिन आउटडोर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आउटडोर में भी ऐसा ख़राब ब्राइटनेस नहीं है, यूजेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं।
सॉफ्टवेयर का बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 14 लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 मिलता है और सैमसंग ने इसमें 2 साल का मेजर अपग्रेड का वादा भी किया हुआ है, यानी कि 14 में है एंड्रॉयड 14 में 15 और 16 का भी अपडेट इसमें आपको मिलेगा। और इसका जो यूआई हो सैमसंग का वन यूआई कोर 6.1 है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो काफ़ी बढ़िया है। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा ब्लोटवेयर है जिसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी है बिना अनाउंसमेंट का, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रोसेसर का बात करें तो मीडियाटेक का हेलियो G85 प्रोसेसर जो कि एंट्री लेवल गेमिंग प्रोसेसर है, इसमें आप BGMI खेल सकते हैं, मतलब ठीक ठाक आपको खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, FPS भी ठीक ठाक मिल जाता है उसमें। गेमिंग रिव्यू भी हम इसका लेकर के आएंगे, गेम इसमें हम खेल करके देखे हैं, हीट नहीं होता है ज़्यादा, लंबे समय के लिए भी गेमिंग करते हैं ना तो ये स्मार्टफोन हीट नहीं होगा, आपको मतलब वैसा फील नहीं होगा कि स्मार्टफोन ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सस्ता है तो आप इसमें गेमिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, स्मार्टफोन जो है ये सस्ता है लेकिन ठीक ठाक पावरफुल भी है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, पावरफुल है, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो सब चला सकते हैं, इंस्टॉल वगैरह भी करते तो काफ़ी फास्ट इंस्टॉल हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लेता है। बैटरी कैपेसिटी भी 5000mAh का है, 5000mAh में नॉर्मल टास्क करते हैं डे टू डे, सिंपल यूजेस रहता है आपका तो 2 दिन बैटरी चल जाएगा, 1.5 दिन तो आराम से चलेगा। और बैटरी के साथ साथ 25W का फास्ट चार्जिंग भी है। हाँ, अडेप्टर तो पैकेट में नहीं मिलता है तो वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। हाँ, इसका जो चार्जर है उसका, अगर आपको ख़रीदना है चार्जर ऑनलाइन तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वो आप देख करके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद एक इसमें कमी है कि ये जो स्मार्टफोन है ये 4G स्मार्टफोन है, 5G नहीं है, तो अब इस प्राइस रेंज में क्या एक्सपेक्ट करें, 6500 में आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है, 6500 में जो इसका फीचर्स है, जिस तरह का बिल्ड क्वालिटी है, जैसा है देखने में है और जिस तरह का परफॉर्मेंस से निकाल करके दे रहा है, जो आपको मिल रहा है कैमरा हो या डिस्प्ले हो, बिल्ड क्वालिटी हो या प्रोसेसर हो, ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप 5G को साइड में रखते हैं तो इस प्राइस रेंज में सैमसंग का स्मार्टफोन मतलब बेस्ट बाय है। आपको अगर ये लेना है या एक सेकेंडरी स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी चाहिए बिना अनाउंसमेंट का, या घर में किसी को देना है, गिफ्ट करना है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी F05 का अनबॉक्सिंग एंड शॉर्ट रिव्यू। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगता है, क्या आप इसको बाय करेंगे और करेंगे तो क्यों करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो है इसका एक्सक्लूसिव कैमरा के ऊपर में वीडियो होगा, फोटोज़ कैसे आते हैं, वीडियोज़ कैसे आते हैं, किस तरह के वीडियोज़ ले सकते हैं, FPS वगैरह कैसे सेट करना है, मैनुअल मोड भी दिया हुआ है इसमें, प्रोफेशनल मोड है उसको कैसे यूज करना, सब कुछ बताएंगे। सेल्फी कैमरा कैसा है, क्या ब्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और गेमिंग के ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें अलग अलग गेम खेल करके इसमें आपको दिखाएंगे कि गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है, बैटरी कितना चलता है, हीट वगैरह कितना हो रहा है। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इस स्मार्टफोन के, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते फिर अगले वीडियो में, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे थे SKTech यूट्यूब चैनल, नमस्कार।